गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं दहिसर कुछ कपड़े ख़रीदने के लिए, और अभी जा रहे हैं, अभी हम अंधेरी में हैं और अभी जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे फिर दहिसर जाएंगे। आपको अंधेरी का कैसा है नज़ारा? यहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और कंस्ट्रक्शन साइड है, और अभी काम चालू है, बिल्डिंग वह बन रही है। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, तो दिखाते हैं आपको यहाँ का सीन। ये गार्डन है जो कि हमारे घर के पास है, और यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और बच्चे वगैरह सब खेलते हैं। दिखाते हैं यहाँ का कैसा है, और यहाँ पर मैच हो रहा है क्रिकेट का मैच हो रहा है। और ये देखो, ये चारों तरफ बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये हो रहा है मैच, ये देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर मैच का, तो मैच हो रहा है इधर। अभी ये सिक्स, चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्या बात है। हमारी फेवरेट गाड़ी क्रेटा खड़ी है, ये बीएमसी का स्कूल है, ये बीएमसी का स्कूल है अंधेरी का। तो गाइस, अंधेरी में मतलब देख लो कि यहाँ VIP लोग रहते हैं, पूरे VIP, और इतने अमीर लोग रहते हैं। ये देखिए इनकी बिल्डिंग है, इन फ्लैटों में रहते हैं, और इन फ्लैटों की कीमत कम से कम 1 से 1.5-2 CR तक जाती है, इतना VIP एरिया है। और यहाँ पर फिल्म स्टार वगैरह सभी रहते हैं, कुछ कुछ फिल्म स्टार भी रहते हैं, सब तो नहीं रहते, कुछ कुछ रहते हैं। मतलब नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ बिल्डिंग, पेड़ पौधे, ये देख सकते हैं आप, एकदम इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे, पेड़ों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। देखो कितनी हरियाली है। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने बड़े बड़े शोरूम है साड़ियों के वगैरह, बड़े बड़े शोरूम है साड़ियों के और ज्वेलर्स के। ये देखिए बड़ा ज्वेलर्स का शोरूम है, पूरा पूरा VIP एरिया है। वो देखो, वो एक और बड़ा बाहर शोरूम है ज्वेलर्स का, और एकदम पूरा VIP। और सामने ये ज्वेलर्स वालों की BMW कार खड़ी है, देख सकते हैं कितनी अच्छी है, मस्त कार है, एक दिन ले गए अपन भी। ये देखिए कितना बड़ा शोरूम है। ये देखिए, ये है अंधेरी का मार्केट, और ये नीचे सड़क है, और ये ऊपर मेट्रो है, मेट्रो का ब्रिज है जहाँ पर मेट्रो चलती है। ये देखिए पूरा मार्केट है अंधेरी का, यहाँ पर सारी सब्जियों की, फल फ्रूट और फरसान की बैठे हैं बेचने वाले। और शाम की टाइम यहाँ पर इतना क्राउड रहता है ना, क्योंकि स्टेशन आगे की तरफ ही है, तो स्टेशन से लोग छूटते हैं अपने घरों की तरफ, तो पूरा क्राउड रहता है इधर। ये मार्केट है कपड़े का, यहाँ पर छोटे बच्चों के, जेंट्स, लेडीज सारे कपड़े मिलते हैं, चप्पल जूते वगैरह। पूरा मार्केट है, बैग वगैरह सारे मिलते हैं इधर। जस्ट स्टेशन के बाजू में ही है ये मार्केट, अंधेरी स्टेशन के।
पहुँच चुके हैं स्टेशन और लेते हैं यहाँ से टिकट और करते हैं अपनी जर्नी को। और एक बार स्टेशन का व्यू दिखाते हैं आपको। अंधेरी स्टेशन के ऊपर का व्यू देख सकते हैं आप। ये दुकानें हैं छोटे छोटे स्टेशन के ऊपर ही। ये है एक टिकट, उधर अभी सामने से हम टिकट लेंगे। ये क्या है यार, क्या करें इन लोगों का। ये टिकट करें, आज तो घर दिखा में संडे के हिसाब से, बाकी पूरी लाइनें लगी होती है। कम से कम 10-15 मिनट के बाद दोबारा नंबर आता है टिकट लाइन में। तो इधर से लेंगे, ये टिकट लेते हैं। ले लिया है टिकट हमने हमारा, ये देखिए टिकट ले लिया है और चलते हैं अभी। कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, पंखे देखो आप ऐसा। तो चलते हैं, पकड़ते हैं अपनी ट्रेन। देखिए सुबह संडे के दिन भी कितनी गर्दी रहती है, तो भी देख सकते हैं आप। और ये सभी इंडिकेटर लगे हुए हैं यहाँ पर, सभी ट्रेनें बताती हैं कौन सी ट्रेन किधर जाएगी। तो हमें पकड़नी है बोरीवली 12:55 ये वाली। चलिए चलते हैं, अभी नीचे उतरेंगे वापस सीढ़ी से और पकड़ते हैं ट्रेन। गाइस बोरीवली पहुंच चुके हैं और ये हमारी ट्रेन, अभी इस ट्रेन में से उतरे हैं अब। गाँव बस स्टॉप, कितना बड़ा बस स्टॉप है, यहाँ से सारी बसें उठती हैं और अलग अलग जगह जाती हैं। BST की बसें हैं सारी। और ये है गोरेगांव का मार्केट, स्टेशन का नीचे ऊपर पब्लिक ब्रिज है। सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस और ट्रेन ही है। बस में 5 रुपये टिकट लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 रुपये ज़्यादा दूर जाना हो। बाकी ट्रेन में जाना हो तो ट्रेन में ट्रैफिक का टाइम बचता है और 15-20 रुपये में भी 22-23 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हो। इतना सस्ता, सबसे सस्ता ये दोनों ट्रांसपोर्ट ही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुंबई में। बाकी तो आप कैब वगैरह करोगे तो 500-600, और रिक्शा मानोगे तो कम से कम 2 किलोमीटर जाने के लिए भी आपको 50-60-70 रुपये देने पड़ सकते हैं। सबसे सस्ता ट्रेन और बस ही, और ट्रेन बस में तो ज़्यादा टाइम लगता है, और सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुंबई का लोकल ट्रेन ही है।
पूरा दिन घूम लिए हैं और संडे का दिन था तो पूरा घूम लिए हैं। अभी जा रहे हैं वापस घर पे।